हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज वन मोल ऑफ N2O4 एट 300 केल्विन एस्केप्ड इन क्लोज्ड कंटेनर अंडर वन एटमॉस्फेयर। इट हीटेड टू 600 केल्विन व्हेन 20% ऑफ मास ऑफ N2O4 डिकम्पोजेस टू NO2। द रिजल्टेंट प्रेशर इज नाउ द की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, दैट इज द आइडियल गैस लॉ। अब आइडियल गैस लॉ क्या होता है? आइडियल गैस लॉ होता है पीवी इक्वल्स एनआरटी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, दैट एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, एंड फॉर टू गैसेस हम क्या कह सकते हैं, दैट इज P1 V1 ओवर NO1 RT। अगर सेम टेम्परेचर में दो गैसेस एक्सपेरिमेंट हो रहा है, P2 V2 ओवर N2 RT। ठीक है, वेयर P1 इज द प्रेशर ऑफ द फर्स्ट गैस, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट गैस, P2 एंड V2 इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड गैस रेस्पेक्टिवली, एंड N1 N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड गैस रेस्पेक्टिवली, वेयर द एक्सपेरिमेंट इज डन इन द सेम टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है N2O4 जो गैस है वो डिसोसिएट होता है NO2 में। ठीक है, कितना होता है? 2NO2 होता है। ठीक है, अब T इक्वल जीरो में सपोज इसका 1 यूनिट है तो इसका क्या है? जीरो, कोई भी डिसोसिएट ना नहीं हुआ है। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या है? 20% मास N2O4 का डिसोसिएट हो रहा है, सो इसका मतलब अब कितना मास बचा है? 1 माइनस 1 × 20%, इतना मास डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, अब इसका क्या है? जो मास यहाँ पर डिसोसिएट हो रहा है वही मास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, सो ए हो जाएगा 2 × 20/100, दैट इज 20%। सो ए क्या होता है? 1 माइनस 0.2 एंड दैट इज 2 × 0.2, ए हो जाता है हमारा 0.8, दिस विल बी 0.4। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट डन हुआ है क्लोज कंटेनर में। ठीक है, अब क्लोज कंटेनर मतलब इसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है, वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स्ड, इसका मतलब भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, रिएक्शन इक्वेशन था P1 V1, इसको भी लिख सकते हैं, और N1 RT। ठीक है, इसका T1 ले लेते हैं और इसमें P2 V हो जाएगा, वॉल्यूम सेम है, N2 RT2। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है पहले का प्रेशर था 1 atm। ठीक है, हम इसका प्रेशर मतलब जो वन एटमोस्फेयर के अंडर इसको रखा है N2O4 को, सो N2O4 का प्रेशर कितना है? 1 atm, वॉल्यूम भी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 मोल, क्योंकि 1 मोल इसका डिसोसिएट हो, पहले 1 मोल था। अब आर और टेम्परेचर इसमें क्या है? 300 केल्विन, एंड दैट इक्वल्स P2। अब हमें P2 निकालना है, भी जो वॉल्यूम है, अब इसका मोल कितना हो गया? अब टोटल मोल कितना हुआ है? देखिए आप मिक्सचर में टोटल मोल कितना है, पहले 1 मोल था, अब इसको डिसोसिएट करके एक क्या हुआ? 0.8 मोल और आया 0.4, दैट इज 1.2 मोल हो गया ना। पहले सिर्फ कंटेनर में N2O4 था, अभी कंटेनर में क्या है? N2O4 प्लस NO2 है, अब दोनों का एट इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम में हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में टोटल मोल कितना है? 0.8 प्लस 0.4, दैट इज 1.2 मोल, सो दैट इज 1.2 मोल मल्टीप्लाइड बाई आर और टेम्परेचर इसमें 600 केल्विन, जो हीटेड कूल किया है 600, मतलब सॉरी हीट किया है 600 केल्विन तक। ठीक है, अब देखिए आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल मोल, केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एटीएम रहेगा क्योंकि हमें, और ये जी भी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, पी टू निकालना है, सो पी टू हमारा हो जाएगा 1.2 × 600 × 1 atm, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, डिवाइडेड बाई क्या होगा? 300 × 1, तो 300 ही रहेगा, इसमें क्या आएगा? 2, और इसमें 2.4 atm होता है प्रेशर, सो हमारा प्रेशर आ गया 2.4 atm।
तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में है आंसर। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2.4 ATM। द रिजल्टेंट प्रेशर विल बी 2.4 ATM। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।